हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को भी बहुत ही बेहतरीन वे से सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में यूनिट्स एंड डायमेंशन है क्या। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम लोग का इस यूनिट्स एंड डायमेंशन का, वो बहुत ही बेसिक लेक्चर है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन, और साथ ही साथ हम लोग इस यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में कवर करने वाले हैं, है ना, बेसिकली यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ना, उसका कैटेगराइजेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन कि यार एक्चुअली में ये फिजिक्स है क्या, है ना। हालांकि अगर बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन दो तो बहुत बड़ा डेफिनेशन हो जाएगा, है ना। अगर मैं बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से अगर मैं समझाऊं कि फिजिक्स क्या है, तो बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, जैसे कि यार आप लोग सोचते हो ना कि एक्चुअली में लॉज वगैरह बनाना बहुत ही ईजी है, न्यूटन के सामने जैसे ही एक एप्पल गिरा फटाक से ग्रेविटेशनल लॉ बना दिया। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। लॉज के लिए जो है ना, एक्चुअली में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन सभी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है तभी लॉ तक पहुँचते हैं। ठीक है, बोले कौन कौन सा लॉ, मतलब कौन कौन सा स्टेप्स है, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि एक्चुअली में ये फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स में जनरली हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, है ना, उसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो यार जैसे आप लोग सोचते हो कि न्यूटन का जो मनगढ़ंत कहानी जो था, है ना, कि एप्पल गिरा था, तो रियल जिंदगी में और साथ ही साथ जो आप लोग को पढ़ाया जाता है उसमें बहुत ही आसमान जमीन का फर्क होता है ना। लेकिन फिर भी यार फिजिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टेड है ना, हम लोग जैसे भी सीखना चाहें सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी इंटरेस्टेड वे से ही सीखेंगे, वो अलग की बात है। लेकिन फिर भी लॉज एक्चुअली में कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहले ना एक्चुअली में कोई फेनोमिनन होता है। क्या होता है फेनोमिनन, अभी मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, है ना। फेनोमिनन यानी इसको मैं इवेंट भी बोल सकता हूँ, कोई इवेंट घटेगा उसके बाद जो है इसका ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन के बाद जो है एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, है ना। एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो लॉ डिफाइन होगा। क्लियर है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि न्यूटन वाला जो बात था कि एक एप्पल है, ऐसा नहीं कि एप्पल गिरा फटाक से लॉ बन गया ग्रेविटेशनल लॉ, नहीं, एक्चुअली में वो एप्पल का गिरना सबसे पहला क्या था, एक इवेंट था, एक घटना था, एक फेनोमिनन हुआ उसमें, है ना। कौन सा फेनोमिनन हुआ, एप्पल का गिरना। ठीक है, उसी टाइम गिरना। सोचिए क्या न्यूटन के सामने और भी कुछ नहीं गिरा होगा क्या, बहुत सारा चीज़ गिरा होगा, लेकिन वो इवेंट को जो है वो ऑब्जर्व किए, है ना, बाकी सबको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, ऐसे ही हल्के में ले रहे थे, है ना। तो उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन के दौरान उसके दिमाग में आया, है ना, कि एक्चुअली यार ये क्या हो गया, है ना, गिरा तो एक्चुअली में नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया अच्छे से तरीके से, है ना, एप्पल का गिरना सबसे पहला उसका एक इवेंट हो गया, एक घटना हुआ, उस घटना को वो ऑब्जर्व किया अच्छे से कि अच्छा ये नीचे गिरा तो क्यों गिरा, है ना, उसके मन में एक कहानी ऐसा चलने लगा पूरी तरीके से। उसके बाद जो है घर में जा करके, है ना, बहुत सारा जो भी मिला उनको, है ना, लोटा ग्लास बर्तन जो भी सबको ऊपर फेंक के देखे, इसके चक्कर में लात जूता भी खाएंगे वो अलग की बात है। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट करने पर जो ऑब्जर्व किए थे ना, वो उस ऑब्जर्व से जो मैच कर जाने पर जो है फिर बोला कि नहीं एक्चुअली में सारा एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो सारा का सारा नीचे गिर रहा था, जैसा वो एप्पल वाला कंडीशन में वो ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट से मैच हो जाएगा तब फिर उसमें एक सटीक, है ना, कुछ दे करके एक लॉ बना दिया जाएगा। क्लियर है ये बात, कुछ वर्ड में, है ना, डिफाइन करके उसको एक लॉ बना दिया जाएगा। क्लियर है ये बात, उसका जो लॉ बनता है तो ऐसा नहीं कि लॉ से पैसे ही बन जाएगा, है ना, कि मतलब कोई भी चीज़ हमेशा नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है उसका कॉज भी देना पड़ेगा, है ना, कारण भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सटीक कारण दे करके उसका लॉ भी बना दिया जाएगा। क्लियर है बात, तो सबसे पहले कोई फेनोमिनन होगा, कोई घटना घटेगा, उस घटना को घटने के बाद जो उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उस ऑब्जर्वेशन से मैच करता हुआ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया ऑब्जर्वेशन से तब जो है एक कॉज दे करके उस पर एक लॉ बना दिया जाएगा। क्लियर है बात, ये तो आप लोग समझ सकते हो। खैर, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है ना। तो फिजिक्स तो बहुत बड़ा ब्रांच है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब यूनिट्स एंड डायमेंशन में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला आता है डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी है क्या,
एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। हम लोग जिस भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ये चॉक होल्डर है, इस चॉक होल्डर को मैं मेजर कर सकता हूँ, इसका लेंथ, वॉल्यूम, है ना, बहुत तरह का, ठीक है, इसका कैपेसिटी कितना है, वॉल्यूम कितना है, लेंथ कितना है, इसका वेट कितना है। तो जो भी चीज़ को मेजर किया जाता है ना उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, क्लियर है। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बोले दो कौन कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, है ना, डिपेंडेंसी के बेसिस पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पर जब बात किया जाएगा तो इसको हम लोग एक सेपरेट चैप्टर वेक्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, वेक्टर नाम का चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर है बात। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल के लिए जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के मामले में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली अभी हम लोग का यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये डिपेंडेंसी वाला पढ़ना है, क्लियर है बात। हालांकि इसको भी कैटेगराइज करके मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्लियर। चलिए देखते हैं, जैसे सपोज अगर मैं डिपेंडेंसी के मामले में अगर बात करूँ ना तो इसको भी फर्दर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तीन पार्ट में, बोले तीन पार्ट कौन कौन सा। सबसे पहला पार्ट जो आएगा इसका वो आएगा फंडामेंटल, और बेस क्वांटिटी, है ना, या इसको फंडामेंटल बोलिए या फिर बेस क्वांटिटी बोलिए। दूसरा आता है आप लोग का डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा आता है आप लोग का सप्लीमेंट्री, ठीक है। हालांकि सप्लीमेंट्री में ज़्यादा बड़ा नहीं है, है ना, दो ही टॉपिक को कवर करना है सप्लीमेंट्री में, मैं लिख देता हूँ। एक तो आप लोगों को पढ़ना है इसमें प्लेन एंगल, और दूसरा पढ़ना है आप लोगों का सॉलिड एंगल, ठीक है। लेकिन मेनली जो अगर मैं बात करूँ तो मेनली जो है हम लोग को ये दो के बारे में पढ़ना है, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, है ना। हालांकि चैप्टर से आप लोग को पता होना चाहिए कि यूनिट्स के बारे में पढ़ना है और कुछ डायमेंशन, है ना, दो पार्ट में ये चैप्टर डिवीजन है, है ना, डिवाइड किया गया है। तो जब हम लोग सबसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो यूनिट नाम का चैप्टर पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट में हम लोग पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, फिर डिराइव क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, फिर जब डायमेंशन वाला टॉपिक पे एंटर करेंगे तो फिर फंडामेंटल का डायमेंशन लिखेंगे, फिर डिराइव क्वांटिटी वाले का जितना भी है उसका डायमेंशन लिखना स्टार्ट करेंगे, क्लियर ये बात। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इसका भी है ना तीन कैटेगराइजेशन है। पहला है स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा है हम लोगों का टेंसर, है ना। हालांकि मेन जो है दो ही होता है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर ये बात। तो हालांकि हम लोग इसको देखने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। लेकिन तीसरा चीज पे भी होना चाहिए, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो होना चाहिए, क्लियर ये बात। अगर मैं बात करूँ तो हालांकि इसको अलग से हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, हम लोग को अभी तो पहला तो ये वाला स्टार्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी के मामले में अगर बात करें तो हम लोग को ये पढ़ना है ना, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, और डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों में डिफरेंस है क्या, है ना, मेनली जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ना है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है ना, जो खुद पे डिपेंड होते हैं, और दुनिया में ऐसे साथी हैं, है ना। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तब मैं लिखवाऊंगा, अभी मैं बस एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, क्लियर। डिराइव क्वांटिटी देखिए नाम से ही पता चल रहा है यार, ये दलिदर है ना, दलिदर, ठीक है। तो सोचिए ये जो है ना, ये दलिदर इस पे डिपेंड करता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है, जो दूसरों पर डिपेंड कर रहा है, वैसा क्वांटिटी को डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे, और वैसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर, है ना, दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है वैसा उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, या फिर बेस क्वांटिटी बोलते हैं, क्लियर ये बात। लेकिन चलिए मैं इसे एक बढ़िया सा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज दैट ना मेरे पास दो इंसान है ना, दो इंसान को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पहला है अपना कलुआ और दूसरा है ललुआ, ठीक है। ये जो है ना बेचारा बहुत ही अपना मेहनत करके कमाता है ना, अपना सपोज दैट मेहनत करके अपना ज़िंदगी चलाता है। इसके पास एक ट्री लगाया है अपना बगान में, है ना, नींबू का बिजनेस करता है, ठीक है, सपोज दैट नींबू का पेड़ है और इसमें बहुत सारा नींबू भी फड़ा हुआ है,
पला हुआ है, क्लियर। और काव है इसके पास, गाय का बिजनेस करता है, दूध वगैरह बेचता है। ये बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है ना, खुद पे डिपेंड होता है, अपना कमाता है अपना खाता है। लेकिन ललुआ जो है एक नंबर का दलिदर है ना, कोढ़िया इंसान है ये पूरी तरह से। ये क्या करता है ना, पूरी तरह से कलुआ पे डिपेंड है। ये क्या बोलता है ना, रात में जाता है कुछ नींबू चोरी कर लेता है और कुछ दूध चोरी कर लेता है, और अगला दिन जो है उसी का, समझ जाइए उसी का उपजाया हुआ और उसी का मेहनत किया हुआ चोरी करके बस थोड़ा सा मेहनत कर देता है, हल्का सा क्या कर देता है, दोनों को मिला देता है ना, तो बन जाता है दही या फिर सपोज दैट पनीर बन जाता है। ठीक है, दूध में जब कोई खट्टा पदार्थ मिला दिया जाता है तो पनीर बन गया, फट गया वो, है ना। अब उस पनीर का वो बिजनेस कर रहा है, सोचिए मेहनत कुछ भी नहीं कर रहा है, डिपेंड है सब इस पर। सारा क्वांटिटी अगर अलग से देखा जाए ना, तो पनीर को जब हम लोग पूरा डीपली इंटर करके देखेंगे तो अच्छा ये तो अपना दूध से बना हुआ है और नींबू से बना हुआ है, जो कि किसका है, मेहनत, कलुआ का मेहनत है ना। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करता है वैसा को हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। हालांकि हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही मजे वे में सीखने वाले हैं इसको। अगर ये कल के दिन अगर इस पर केस भी कर देना तो पुलिस बोलेगा कहाँ, मेरे पास देखिए दूध है ही नहीं, नींबू है ही नहीं, क्या सबूत है आपके पास। ठीक है, तो सोचिए कि इस चीज़ को दलिदर बोल रहा हूँ, क्लियर है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, डिराइव क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जो फंडामेंटल पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे फंडामेंटल में, अगर मैं अभी तीन लिखता हूँ, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो बताइए वेलोसिटी जो होता है ना वो किसका है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है जो कि किसका है, फंडामेंटल का ही है। टाइम भी देखिए इसी का है, टाइम है ना। तो दोनों जो है ना, एक्चुअली में दोनों को डिवाइड करके एक नया क्वांटिटी बना दिया गया है वेलोसिटी, जो कि पूरे तरह से अगर बात किया जाए तो एक्चुअली में दो क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। और वो दोनों क्वांटिटी किसका है, फंडामेंटल का है। इसलिए वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी कहलाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा। हालांकि हम लोग जब इसको चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया वे में सीखने वाले हैं। तो गाइज आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग जो है ना चैप्टर का कुछ इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूनिट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि पहला हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को यूनिट्स के बारे में पढ़ना है और फिर डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में। तो जब हम लोग यूनिट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट्स देखेंगे, फिर डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट्स देखेंगे। ठीक है, और सप्लीमेंट्री का तो हम लोग देखेंगे, ये ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। फिर जब डायमेंशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फंडामेंटल का सारा फंडामेंटल क्वांटिटी का 7 होता है एक्चुअली में, है ना, मेन जो है 7। ठीक है, हालांकि जो एकदम मेन के बारे में बात किया जाए तो 3 ही है, मास, लेंथ और टाइम। तो जब डायमेंशन लिखेंगे तो इस पूरा का पूरा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना उसका डायमेंशन लिखेंगे, फिर डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे, फिर हम लोगों का चैप्टर जो है खत्म होगा और डायमेंशन का कुछ एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। तो गाइज ये है हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर, है ना, कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को ऑन दी बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के मामले में फंडामेंटल, डिराइव और फिर सप्लीमेंट्री, बस ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ये तो हम लोग देखने वाले हैं वैक्टर को, है ना, ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इसके जस्ट ये चैप्टर खत्म होने के बाद, क्लियर है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बहुत ही बढ़िया वे में समझ में आया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।